हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सबके गोड़ छू के दिल से प्रणाम करती हूँ। तो फ्रेंड, आप सब हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि फ्रेंड बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप लोगों से भीख में सिर्फ एक लाइक सब्सक्राइब मांग रहे हैं और कुछ नहीं। फ्रेंड, हम बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। आप सब जिसके दिल में दया होगी और जो एक मजबूर औरत की मजबूरी समझेगा, वो ज़रूर हमारा सपोर्ट करेगा। वो चाहे मेरी बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे अंकल, चाहे जो भी हो, पिता समान जो भी हो, हमारी मजबूरी को समझिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फ्रेंड, तो एक बात फ्रेंड, हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, आप लोग प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब कर को, बस हमको भीख में यही दे दो प्लीज़। आप सबके दिल से दुआ है, भगवान आप सबके खुश हमेशा रखें, एक मजबूर औरत के, क्योंकि फ्रेंड हमारा कोई सहायता करने वाला नहीं है। हम पैसे भी इतना मजबूर हैं, हम बहुत बीमार रहते हैं फ्रेंड, हम अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। वीडियो बनाने लगे, हमको ये नहीं पता था कि हम किस कैटेगरी कैसे वीडियो बनाएं तो हमारा वीडियो चलेगा। और फ्रेंड, हमको मालूम नहीं था, जब हमने वीडियो यूट्यूब पे बनाना चालू कर दिया तो एक चैनल मेरा ख़राब हो गया, जो कि रितेश कुमार फोटो ब्लॉगर से था। मेरी मोबाइल पानी में गिर गई फ्रेंड, हमको वो चैनल मतलब मालूम नहीं था कि उसका ईमेल आईडी क्या है, इसलिए मेरा वो चैनल फिर दोबारा नहीं आया। फ्रेंड, लोग मुझे कहने लगे कि ये 2 साल से मेहनत कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा। फ्रेंड, यहाँ तक कि मेरे घर वाले सब भी जलते हैं और यहाँ तक कि मेरे पति भी मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट का हमको पसंद तक नहीं करते हैं। वो पैसा जो भी कमाते हैं दारू पी जाते हैं, उड़ा देते हैं जुगा दारू में, पर हमको देते नहीं हैं। बहुत परेशान हो के बहुत मेहनत से, कहीं पे मेहनत मजदूरी अगर मिलती है तो कर लेते हैं फ्रेंड। वैसे ही हम गांव देहात में हैं, कुछ हमारे यहाँ ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करें फ्रेंड। बहुत मजबूरी से अपना समय गुजार रहे हैं, वीडियो माध्यम से देख सकते हैं कि जिसके पास अच्छे कपड़े होंगे, अच्छे पहनने ओढ़ने के होंगे, तो वो ऐसा वीडियो नहीं बनाएगा जैसा मैं बना रही हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी माँ ने कही है कि जो आपके साथ गलत कर रहा है उसके साथ आप गलत मत करिए, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। उसे ये समझिए कि भगवान ने हमको दर्द दिया है। तो फ्रेंड, हम यही समझते हैं कि हम आज तकलीफ में हैं, आज हम जो भी झेल रहे हैं फ्रेंड, हमारे नहीं पिता हैं, नहीं भाई हैं, एक माँ है और 4 बहन हैं हम सब। ससुराल में हमारा कोई कदर नहीं करता है, कोई इज्जत नहीं करता है, तो क्या करें फ्रेंड, बहुत परेशान रहते हैं। बस से ही उम्मीद लगाए हैं कि आप सब मेरा सपोर्ट करिए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए फ्रेंड, ताकि हम अपना अच्छे से इलाज करवा सके अपने पैसे से, क्योंकि हमको कहीं मिल नहीं रहा है, कुछ काम करने लायक भी नहीं है, हम इतना बीमार रहते हैं, हम क्या करें फ्रेंड। आप सबके भरोसे से हम वीडियो बनाते हैं, आप सबसे भीख में हम एक लाइक एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं। आप सबसे दिल से दुआ है कि आप सब हमेशा खुशहाल रहें, हमारा सपोर्ट करिए फ्रेंड। हम इतना दुखित रहते हैं, माँ ने जो हमको सिखाया है बस वही हम करते हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। बस ये गाना है, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ को दिल को दुखाना ना चाहिए, जिस पिता ने तुमको जिंदगी
जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ को दिल को दुखाना ना चाहिए। जो पिता ने तुमको जिंदगी दी उस पिता को दर्द देना ना चाहिए। बाय बाय, लव यू।